हेलो फ्रेंड, आज हम 1212 ट्रांसफार्मर से एक चार्जर बनाने वाले हैं। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। तो मैं इसे एक लकड़ी के ऊपर सेट कर दिया हूँ। इसके बाद हमें चाहिए एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो फ्रेंड, इसे हमें बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिल्वर रंग आपको दिख रहा है, ये हमारा डीसी पॉजिटिव और ये डीसी निगेटिव है। और ये दोनों हमारे वायर हैं, इन दोनों वायर के। तो फ्रेंड, ये 12 और ये 0 और ये 12 का ट्रांसफार्मर है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे साइड में कर देंगे। और इसके बाद हमें एक वायर को यहाँ पर और दूसरे वायर को यहाँ पर सोल्ड कर देना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ। इसके बाद हमें एक कैपेसिटर चाहिए। मैं यहाँ पर 25 वोल्ट 1000 UF का कैपेसिटर ले लिया हूँ। इसको हमें ये देखना है, ये इसका निगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव। फ्रेंड, मैं ये खराब किट से निकाला हूँ, आप भी किसी पुराने किट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये सिल्वर रंग दिख रहा है, इधर हमारा पॉजिटिव और इधर हमारा निगेटिव लगेगा। तो हम इसे लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें लगाना है। ये इसका पॉजिटिव साइड है। और इसके बाद हमें चाहिए एक मेल 12 वोल्ट मेल सॉकेट। आप देख सकते हैं हम इसे यहीं पर कनेक्ट करने वाले हैं। तो जहाँ पर इसका पॉजिटिव यानी ये, यहाँ पर हमें इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव लगाना है यहाँ पर। तो चलिए मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितने आसानी से यहाँ पर लग गया है, कुछ इस प्रकार से। और इसके ऊपर हमें लगा देना है टेप। इसके बाद हमें चाहिए एक एसी सप्लाई देने के लिए एक इस प्रकार का एक तार। तो इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। और इन तारों में मैं एक फाइबर स्लू लगा दूंगा जिससे करंट ना लगे। तो फ्रेंड, सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पर इसे कोई तार इस तार में और कोई तार इस वाले तार में हमें कनेक्ट कर देना है। तो इसके बाद हमें इसको ऊपर करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा टेप लगा देना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसे कर देता हूँ। तो फ्रेंड, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दे रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम इसको सॉकेट में लगा देते हैं। तो फ्रेंड, मैं इसे एसी सप्लाई दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने इसे एसी सप्लाई दे दिया है। अब हमारा यहाँ से ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई ये दे रहा हमें। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। फ्रेंड, जब मैं इसे चेक करूँ तो आप अपना नज़र इस मल्टीमीटर पे बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड, मैं इसे डीसी वोल्ट पर कर दिया हूँ और हमें इसे 24 वोल्ट पर करना है। तो हम इसे 200 पर कर देंगे और इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए मैं इसे चेक करता हूँ, देख सकते हैं आप 24 वोल्ट ये रीडिंग शो कर रहा है। तो फ्रेंड, ये चार्जर हमारा ठीक है और देख सकते हैं आप, ये कोई करंट भी नहीं मार रहा है। मैं इसे अपने हाथ से टच भी कर रहा हूँ और ये 24 वोल्ट दे रहा है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।